मेजबान आरिफ वहीद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे, मौसम के हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से महकमा मौसमियात का मानना था कि आज की डेट में जो है हल्की बारिशों का सिलसिला जो है वो रह सकता है, लेकिन जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो इस समय गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं पर अगर हम देखें तो एक रोज़ पहले जहाँ पर खूनी नाला के मकाम पर जो पत्थर खिसकने के वाकात, जो बोल्डर्स जो है गिर कर आ गए थे, कहीं ना कहीं पे जब हम वहाँ पे देखते हैं तो 50 साल पुरानी जो हिस्ट्री है रिवील करती हुई जो है वो लोकेशन नज़र आती है, जिसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे जो है कुछ ऐसे हसास मकामात हैं जिसमें पैंतिहाल, डिगडोल या फिर सबसे अहम जो पिछले 50 सालों की जब हम हिस्ट्री को खंगालते हैं तो खूनी नाला का जो एरिया है वो पुराने टाइम से जो है एक उसकी हिस्ट्री ये रही है कि बहुत सारी लैंडस्लाइड्स वहाँ पे हुई है, जिसकी वजह से जो है उसको ये एक बड़ा टिपिकल नाम जो है खूनी नाला पड़ गया था। लेकिन आज की डेट में हमने तकरीबन 2 घंटा पहले जो है उस स्पॉट पे जाके जो रॉक्स का जायज़ा देखा, वहाँ पर जियोग्राफिया एतबार से वो रॉक्स बड़ी कमज़ोर है और कौमी शाहरा पे जो है आजकल के डिजिटल दौर में अगर पैसेंजरों को जो है वो सिलेंडर में रहना पड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं पे जो है एक बेहतर जो है वो साइन नहीं है। आजकल कोई भी पैसेंजर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे 2 मिनट जो है सिलेंडर रहना पसंद नहीं करता है। सवाल ये है कि पिछले इतने सालों से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काम चल रहा है, लेकिन आज भी जो है सुस्त रफ्तारी से कभी कभार ट्रैफिक की आवाजाही जो है हाईवे पे देखने को मिलती है। मौसमी एतबार से बात करें कि अगर मजीद बारिशों का सिलसिला रहता है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो रह सकती है। और ये बनिहाल टाउन का जायज़ा हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अक्सर और बेशतर इस तरह की स्लो मूवमेंट रहती है। टाउन के बिल्कुल मेरी दाईं जानिब जो एक फ्लाईओवर बन रहा है उसमें एक्सपेक्ट है कि यात्रा सीजन शुरू होने से पहले एक लेन को ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन तब तक जो है बनिहाल टाउन के बीच में से गुजरने वाला पुराना नेशनल हाईवे जहां पर लोगों के लिए भी अभी भी मुसीबत जो है वो बनी हुई है। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि लोकल सतह पे जो वैन्स वगैरह चलती है सेंटर में कट मारने के सबब जो है जो हाईवे पे गाड़ियों का फ्लो रहता है उसमें जो है इस तरह की दिक्कतें जो है वो रहती है। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे ट्रैफिक इस समय बदस्तूर जारी है, मौसम के मिजाज थोड़े से बिगड़े हुए हैं और कौमी शाहरा पे अगर बारिशों का सिलसिला रहता है तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पे कई जगहों पे लैंडस्लाइड और बोल्डर गिरने के खतरात रह सकते हैं। इसीलिए कभी कभार जो लोग भी इशू उठाते हैं कि आजकल के मॉडर्नाइजेशन इस दौर में जहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं तो कई जगहों पे इंजीनियरिंग विंग को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर मजीद काम करने की ज़रूरत है। कई जगहों पे जो 90 डिग्री कटिंग की गई है उसमें जब बारिशों का सिलसिला रहता है तो कोई भी हाईवे के जो नई लेन है उसके दामन में चलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर शूटिंग स्टोन के खतरा जो है वो लाक रहते हैं। चलिए, ये अपडेट मैं आपको दे रहा था कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस समय ट्रैफिक जो है वो बदस्तूर जारी है, बारिशों का सिलसिला लगातार इस समय जो है हल्की बारिशों का सिलसिला जारी है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि अगर मौसम के मिजाज बिगड़ते हैं हाईवे की सूरत हाल बेहतर रहे, इंजीनियरिंग विंग जो यहाँ पर जो डिगडोल का सेक्टर है, पैंतिहाल का सेक्टर है या जो शालगढ़ी का एरिया है उसमें और बेहतर काम करने की ज़रूरत है ताकि हाईवे पे पैसेंजरों को जो है बेवजह दिक्कतें मुस्तकबिल में ना रहें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका मेज़बान आरिफ वहीद आपसे रुख्सत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, आप सब कुछ।